हेलो दोस्तों, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो आज हम नीबरिंग कंट्रीज की सीरीज में एक अगले देश के साथ में आए हैं, दैट इज चाइना। चाइना से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये हमारा पड़ोसी देश है और मेजर सबसे बड़ी बात है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चाइना। इसके साथ साथ में चाइना की अगर हम बात करें तो ये एक मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्री है, इतना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है पूरे विश्व के लिए और बड़ी परेशानी भी है। हाल ही के दिनों में वुहान में कोविड-19 फैला था, तो मेजर कंट्री बनती है, इंपॉर्टेंट कंट्री बनती है, खासकर नेबरिंग कंट्री को लेके। आज हम पढ़ेंगे चाइना के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, हम सब कुछ जानेंगे आज इस सेशन में। सबसे पहले अपने बारे में, मैंने बीटेक किया है HBTEC कानपुर से, केमिकल में SSC सीजे 2017 और 2018 का टायर 3 दिया है, UPPCS का UPPCS लोअर का इंटरव्यू दिया है और इंटेलिजेंस ब्यूरो का इंटरव्यू भी दिया है, रेलवे NTPC का साइको दिया है और मेरा 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। आगे चलते हैं। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप बड़ी चीज को मिस कर रहे हैं, क्योंकि अनअकैडमी की ऐप पे आपको मिलेगी लाइव क्लासेस जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं पोल में और क्विज में। इस पोल और क्विज में जो पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें अपनी रैंक भी दिखती रहती है कि कौन पहले पे चल रहा है, कौन दूसरे पे चल रहा है, उनका क्वेश्चन सही है या फिर गलत है, तो कभी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ में आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलते हैं और साथ साथ में आपको मिलती हैं बहुत सारी चीजें, लाइक PDF भी आपको मिलेगा और इसके नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। तो फटाफट आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड जरूर कर लें। आगे चलते हैं। अनअकैडमी के टेलीग्राम ऐप से जुड़ने के लिए आप ये लिंक फॉलो कर सकते हैं। इस लिंक को जैसे ही आप पेस्ट कराएंगे इसमें आप सीधे सीधे हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे आपको PDF मिलेगी हर क्लास की और जितने भी करंट अफेयर 10 के नोटिफिकेशन हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। आगे चलते हैं। अनअकैडमी के जो SSC एग्जाम का सब्सक्रिप्शन है वो स्टार्ट होता है अगर आप 1200 रुपए पर महीने से। अब ये क्यों जरूरी है? अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं शुरू से लेके अंत तक तो आप अनअकैडमी का जो ऐप है, अनअकैडमी का जो पेड कोर्स है वो जरूर लें। यहाँ पे आपको मिलेंगे टॉप एजुकेटर और उनका टॉप वीडियो कोर्सेज भी, ठीक है। मैं भी मिलूंगा आपको अनअकैडमी के ऐप पर। ये जो कोर्सेज हैं ये 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के बंक में रहते हैं, आप ऐसे खरीद सकते हैं। सबसे बढ़िया इन्हीं तीनों का है क्योंकि इससे कॉस्ट भी कम रहती है, 800 रुपए पर महीने, 500 रुपए पर महीने और 300 रुपए पर महीने। ये बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है, आप आसानी से इसे अफोर्ड कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम इसकी बात करें कि भाई इसमें भी आपको डिस्काउंट चाहिए तो यहाँ पे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट बाय अप्लाइंग द कोड योगेंद्र। योगेंद्र कोड अप्लाई करने पर ही आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पर तुरंत के तुरंत मिल जाता है। क्लियर है? आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन हम जानेंगे चाइना के बारे में। तो देखो बेटा, सबसे पहली चीज तो है, पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि चाइना किस देश के साथ में अपनी सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। तो चाइना किस देश के साथ में सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, तो वो है मंगोलिया। इसके साथ साथ में ये पूछा जाता है कि भाई ये चाइना में ये इसका जो झंडा है इसमें जो 5 स्टार है ये क्या दर्शाते हैं, तो ये वहां के राजशाही शासन को दर्शाते हैं। भारत की अगर हम बात करें तो भारत जिस राज्य के साथ में चाइना सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है वो क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ के सबसे बड़ी सिटी की बात करें तो बीजिंग क्या है, इसकी कैपिटल है। नेशनल लैंग्वेज की बात करें तो मैंडरिन यहाँ की नेशनल लैंग्वेज है, कैपिटल बीजिंग है। नेशनल करेंसी क्या है, रेनबीबी और येन, दो यहाँ की जो है वो नेशनल करेंसी है। फ्लैग डिजाइन किया गया है जेंग लाइजोंग के द्वारा, किसके द्वारा, जेन लाइजोंग, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है चाइना के बारे में। तो चाइना के बारे में एक तो इंपॉर्टेंट चीज और फनी चीज यही है कि दिस इज जो पूरे विश्व में सबसे वाला जनसंख्या वाला देश है वो कौन सा है, चाइना। और ये भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि से भी काफी बड़ा देश है। हमेशा से चाइना इंपेरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद पे आगे रहा है। साम्राज्यवाद का मतलब है धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, हांगकांग को लेके ये हमेशा अपना दावा पेश करता है कि हांगकांग इज अ पार्ट ऑफ चाइना, लेकिन हांगकांग इससे जो है वो हमेशा डिक्लाइन करता है। आगे चलते हैं चाइना के बारे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले नेशनल एनिमल क्या है, आपको लग रहा होगा कि मैं आपको बताऊंगा कि ड्रैगन है, लेकिन गलत, ड्रैगन यहाँ का नेशनल एनिमल नहीं है बल्कि जेंट जो पांडा है, आप इसे देख सकते हैं, ये जो पांडा आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ का नेशनल एनिमल है। पांडा के बारे में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब ये पैदा होता है तो इसका वेट, वजन और आकार चूहे के बच्चे की तरह होता है, लेकिन ये इतने जल्दी से बढ़ता है कि एक अडल्ट पांडा का लगभग वेट 200 किलोग्राम होता है। खाता क्या है पांडा, बैम्बू खाता है, मतलब जो बांस होता है उसी को पांडा खाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि एक दिन में ये लगभग
30 किलो तक बांस खा जाता है। सोचिए आप कितना बड़ा पेंडा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन इज नेशनल वर्ड। नेशनल वर्ड क्या है? रेड क्राउंड क्रेन, ये यहाँ की नेशनल वर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी है, रेड क्राउंड क्रेन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन इज, तो ये आप रेड क्राउंड क्रेन को देख सकते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये रेड क्राउंड क्रेन है। यहाँ पे इसके जो सर पे जो है हल्का सा क्राउन रहता है, रेड कलर का रहता है, ठीक है। आगे चलें, नेशनल फ्रूट क्या है? कीवी फ्रूट यहाँ का नेशनल फ्रूट है। आगे चलते हैं, नेशनल ट्री क्या है? मैंडरिन है। ये देखिए आप मैंडरिन की अगर हम बात करें तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा, मैडन हेयर यहाँ का राष्ट्रीय पेड़ है, ये राष्ट्रीय पेड़ है, ये येलो कलर का होता है। पूरे चाइना में आपको इस तरीके के पेड़ घरों के बाहर दिखाई दे सकते हैं। आगे चलते हैं, फेमस फेस्टिवल चाइनीज न्यू ईयर, ये यहाँ का फेमस फेस्टिवल है चाइनीज न्यू ईयर। और एक थ्योरी इंपॉर्टेंट है कि हर साल जो है वो एक नए एनिमल के नाम से ये चेंज होता रहता है। इस साल 2020 में पिग जो है वो यहाँ का चाइनीज न्यू ईयर का सिंबल था। प्रीमियर ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यहाँ के जो है वो प्राइम मिनिस्टर को हम कहते हैं प्रीमियर ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ली कियांग, ये जो है यहाँ के प्रीमियर हैं पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना। प्रेसिडेंट कौन है? मतलब जिस तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए कि जिस तरीके इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है, इसी तरीके से चाइना में प्रीमियर ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना होता है। प्रेसिडेंट की बात करें तो जी जिनपिंग है, और जी जिनपिंग के पास ही मेन पावर है, मतलब मेन जो कर्ता धरता है वो कौन है? जी जिनपिंग है, उन्हीं के पास सारी शक्ति होती है। आगे चलते हैं, आप देख सकते हैं ये जी जिनपिंग है, और इन्होंने एक तरीके से है भले ही डेमोक्रेसी, लेकिन इन्होंने एक तरीके से डिक्टेटरशिप वहां पर लगा कर रखी है। जो भी ऐप है वहां पे वो सारे सारे सरकार के कंट्रोल में रहते हैं, जो भी मीडिया है वो भी सारा का सारा सरकार के कंट्रोल में रहता है। और इन्होंने अपने आप को कितने भी बार चुनने के लिए जो है वोटिंग करा ली, अभी कितने भी बार तक प्रेसिडेंट रह सकते हैं। आगे चलते हैं, नेम ऑफ द पार्लियामेंट, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, यहाँ की पार्लियामेंट है। ये कुछ और बड़ा पूछा जाता है यहाँ से कि सब विश्व की सबसे बड़ी पार्लियामेंट किस देश की है, तो वो है चाइना। कुल यहाँ पर 2180 मेंबर हैं, मतलब कहने का है कि जो चाइना की पार्लियामेंट है उसमें कितने मेंबर होते हैं? 2180। ये विश्व की सबसे बड़ी संसद है जो कि मुख्य रूप से कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी 2980, नॉट 280, 180 नहीं है, 2980, इसको सही कर लेते हैं, 2980, ठीक। तो 2980 पार्लियामेंट है जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है। कितने प्रोविनेंस है? कम से कम 25 प्रोविनेंस है, चूंकि ये पैरलिज्म पे वर्क करता है तो इसीलिए फिक्स नंबर बताना पॉसिबल नहीं है। नेशनल स्पोर्ट्स यहाँ का टेबल टेनिस है, और इसके संविधान का निर्माण हुआ था 4 दिसंबर 1982, मतलब इंडिया का पहले हो चुका था। पहली लेजिस्लेशन जो आई थी वो सितंबर 21, 1949 में आई थी, लेकिन तब भी यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। आगे चलते हैं, हाईएस्ट पीक इन चाइना, दैट इज कुमु लैंगमा। कुमु लैंगमा यहाँ का हाईएस्ट पीक है, और एक नदी है जिसका नाम है यांगतेज। यांगतेज एशिया की सबसे बड़ी नदी है, जो कि मुख्य रूप से कहाँ पे है? चाइना में। आगे चलते हैं, नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो पोटेस्टो नेशनल पार्क, संजिंग ग्योन नेशनल पार्क, होंगजोंग नेशनल पार्क, यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क माने जाते हैं। आगे चलते हैं, नेशनल एंथम द मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स, ये यहाँ का नेशनल एंथम है, मतलब राष्ट्रीय गान है। आगे चलते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो उनका नाम है योन शिकाई, ये यहाँ के चाइना के पहले प्रेसिडेंट हैं। एक क्वेश्चन जो पूछा गया है इस बार, इसकी पिक्चर आप देख सकते हैं, ये जो पिक्चर है ये यहाँ के पहले प्रेसिडेंट की पिक्चर है। तो ये एक तरीके के मोनार्क थे पहले, बट फिर धीरे धीरे ये कन्वर्ट होता गया लोकतंत्र में। फर्स्ट चाइनीज टू रिसीव द नोबेल प्राइज, ये क्वेश्चन सीपीओ 2020 में पूछा गया है कि पहले चाइनीज जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया उनका नाम क्या है, तो मो यान इनका नाम है। आप इनकी पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, और आपको चाइना के बारे में एक्स्ट्रा क्या पता है, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और मेरा कोड योगेंद्र ना भूलें। इससे क्या मिलेगा आपको? इससे मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट हर जब भी, जितने बार भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे, हर बार आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। करंट अफेयर इन 10 टेलीग्राम चैनल है जिसपे आप जुड़कर पीडीएफ पा सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसलिए इतना ही, थैंक यू और बाय बाय, देखते रहिए और बने रहिए करंट अफेयर इन 10।